होस्ट फूड गाइड पे खुशामदी। वीडियो अच्छे लगने पे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। बनाएंगे वेजी हैश, जिसमें ये तमाम सब्जियां हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन लेंगे या कास्ट आयरन पैन ले लेंगे और उसमें हम अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल डाल के थोड़ा सा फैला लेंगे क्योंकि हम पूरा नॉन स्टिक बनाना चाहते हैं इसको। इसमें 2 छोटी चम्मच कुटी हुई लहसुन डालेंगे और 2 बड़ी प्याज चॉप की हुई। फिर 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पे इसको भूनना है। अब इसमें 1 कप गाजर डालेंगे चॉप की हुई और 1 कप गोभी डालेंगे चॉप किया हुआ। फिर 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे इसको तेज आंच पे। फिर इसमें 1/2 कप फली डालेंगे और दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए तेज आंच पे भूनेंगे। 30 सेकंड के लिए इसको फैला देंगे, उसके बाद फिर समेट के फिर 30 सेकंड के लिए फैला देंगे तो वो अच्छी तरह भुन जाएगा। अब इसमें 3/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 3/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। यहाँ पर ताज़ा कसा हुआ 1/2 चम्मच जायफल डालेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। सब्जियाँ भूनने से लजीज होती हैं तो आज हम तेज़ रखेंगे और नज़र रखेंगे और मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मीडियम आलू मैंने उबाल के रफली क्रश किए हुए हैं और वो मैं डाल रही हूँ छिलके समेत। 1 कप मटर डालेंगे, यहाँ मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो जब हमने गाजर डाला था तभी डाल सकते हैं। 1/2 कप बाकला डालेंगे यानी कि ब्रॉड बीन्स। आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं और बग़ैर छिलके के भी। अब इसको तेज़ आंच पे हम भूनेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस आलू के नहीं पसंद है तो आप ग्रेट या फिर मैश करके भी डाल सकते हैं। अब स्पैटुला से हम नीचे की तरफ दबाएंगे और फैला देंगे सारी सब्जियों को। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर इसके अंदर जो है फ्रेश हर्ब्स डालेंगे, यानी कि आपके पास हरी धनिया, सोया, हरी प्याज, कोई भी हर्ब्स हो वो सारी चलेंगी। अच्छे से मिलाने के बाद आंच कम कर देंगे और फैला देंगे दबा दबा के कुछ इस तरह से। जितनी देर में ये सेट हो रहा है उतनी देर में हम सैलड डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डिजॉन मस्टर्ड ले रही हूँ, 1.5 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च। फिर विस्क की मदद से हम मिलाएंगे। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले रही हूँ 3 टेबलस्पून और 1 थार में डालते हुए अच्छे से मिला रही हूँ। और यहाँ पर हमारी ड्रेसिंग बहुत ही आसान हनी मस्टर्ड वाली रेडी हो गई है। आप कोई भी लेटस डाल सकते हैं। यहाँ मैं 3 कप वाटर क्रेस यूज़ कर रही हूँ, वो डाल रही हूँ, और 1 कप सेब डाल रही हूँ और 1/2 कप हरी धनिया क्रेस डाल रही हूँ जो मेरे गार्डन की है। अगर आप हरी धनिया नहीं डालना चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस स्टेप को। अच्छे से इसको मिला लेंगे और मेरा ये सजेशन है कि जब आपको खाना हो तभी आप ये सैलड बनाएं। जबरदस्त से हमारी वाटर क्रेस एप्पल सैलड रेडी हो गई है। अपना वेजी हैश आप सर्विंग प्लेट या सर्विंग बोल के ऊपर पलटें और फिर सैलड के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसको चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, मुझे दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। तो दही को हल्का सा फेंट के इसके ऊपर डालेंगे और अनार के दाने डालेंगे और सोया या हरी धनिया से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं वेजी हैश कितना क्रिस्पी हो गया है। और अगर आप एक बड़े पैन में बनाते हैं तो इंडिविजुअल छोटे पैटीज नहीं बनाने पड़ते। लेमन या फिर ब्रेड के साथ आप लंच में या ब्रंच में दे सकते हैं इसे। अंडे और सौरडो स्लाइसेस के साथ आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सनी साइड अप डाला है, लेकिन आप पोच या फिर ऑमलेट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। घर में जो भी सब्जियाँ हैं उन सब से बन सकता है वेजी हैश, तो ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।